हैं। इलाहाबाद का नाम कल प्रयागराज कर दिया गया और प्रयागराज हो जाने के बाद पूरे देश न कि प्रदेश में चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर राजनेताओं विपक्षी पार्टियों ने अपनी अपनी तीखी टिप्पणी कर रखी है, जिसमें लोगों का कहना है कि सरकार में सरकार विकास के मायने बदल गए। इस मुद्दे पर हमसे बातचीत करने के लिए पूर्व राज्य मंत्री सपा से हिमराज वर्मा जी, सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ये जो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया गया है, तो क्या सरकार लगातार ऐसे शहरों का नाम बदल रही है, तो इससे क्या विकास के ये भी मायना हो गया है? देखिए, करीब 4.5 साल तो केंद्र में इनकी सरकार और 1.5 साल से ऊपर उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार, लगभग 90% प्रदेशों में इनकी सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी, ये लोग काम तो कुछ कर नहीं पाए, काम तो जमीन पर ये दिखा नहीं पाए। और अगर नाम बदलने से ही, अगर उन्हें लगता है कि नाम बदलने से ही लोगों को विकास की अनुभूति होगी, तो मैं तो कहता हूं कि बनारस है उसको क्योटो बनाने की बात कही थी, उसका नाम बदल के क्योटो रख दें, और इलाहाबाद का प्रयागराज उन्होंने नाम कर दिया है। तो मैं तो कहता हूँ योगी जी अपना खुद का नाम बदल ले, डोनाल्ड ट्रंप रख ले, कम से कम लोग अमेरिका की अनुभूति हो जाए। तो ये केवल सारे कामों पर ये फेल हुए, जमीन पर कोई काम दिखा नहीं पाए, और ये नाम बदल के केवल ये मुद्दे से जनता का ध्यान हटाना चाहते हैं। सर, लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, प्रयागराज नाम का जो विरोध कर रहे हैं, उनको ऐतिहासिक जानकारी नहीं है, तो हम लोग विरोध कहां कर रहे हैं भाई? हम तो कहते हैं नाम बदलने से आप ठीक है, नाम बदल दो, आप जो चाहो नाम रख दो, लेकिन कम से कम काम तो करके दिखाओ। आपने समाजवादी पेंशन योजना, हम लोगों की 55 लाख महिलाओं को पेंशन देते थे, आप भले उसका नाम बदल देते, आप योगी आदित्यनाथ कर देते या मोदी पेंशन योजना रख देते, लेकिन कम से कम 55 लाख गरीब परिवारों को पेंशन तो देते। आप नाम रख दो, कोई बात नहीं, जो चाहो नाम रख दो, लेकिन आपको जो असल में जनता ने आपको बैठाना है काम करने के लिए, तो काम तो करके दिखाओ। काम तो आप दिखा नहीं पाए, कुछ काम दिखा नहीं पा रहा है। आधार मामले में सरकार फेल हो गई, कानून व्यवस्था के नाम पर पूरा बलात्कार, गैंग रेप, लूट, मर्डर की बाढ़ आ गई घटनाओं की। आज प्रदेश और देश विकास के दौर पे कितना पीछे पहुंच गया। एक समय था माननीय अखिलेश यादव जी के समय में कि देश से ज्यादा उत्तर प्रदेश की विकास दर होती थी, आज वहां से कहां पहुंच गए? तो ये कहीं कुछ कर नहीं पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे, तो हम लोग अमेरिका की तर्ज पर यहाँ पर 100 डायल को लाए थे। आज 100 डायल को थोड़ी, आज पुलिस वाले साइकिल पर पहुंच रहे, आज साइकिल चल रहे। तो ये सारी चीजें हैं, आज कहां से कहां पहुंचाना चाहते हैं ये आज आधुनिक देश, आज आधुनिक युग है, आधुनिक युग में ये जो है देश को, प्रदेश को पीछे ले जा रहे हैं, जिलों को पीछे ले जा रहे हैं, जबकि इनको आगे ले जाना चाहिए। नाम बदलने से कुछ नहीं होता। मैं तो खुलेआम कहता हूं कि मोदी जी अगर नाम बदलने से सब कुछ होता है, तो योगी जी अपना नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप रखते, और नाम बदलने से अगर क्योटो बन जाए तो बनारस का नाम क्योटो रखते। लेकिन असल में जनता की फीलिंग अच्छी जब आएगी, जब डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, कानून व्यवस्था ठीक होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों के लिए सुविधाएं मिलेंगी, किसानों को आत्महत्याएं रुकेंगी, बलात्कार की घटनाएं रुकेंगी, लोग सम्मान मिलेगा, तब लोगों का अच्छी फीलिंग आएगी, तब जीवन स्तर बदलेगा। ठीक है, जैसे कि सर का कहना है कि योगी जी अपना नाम बदलकर डोनाल्ड ट्रंप रखने, जिससे कि प्रदेश के लोगों को विदेश जैसी फीलिंग आने लगे। इसी ऐसी ही लगातार तीखी टिप्पणियों से विपक्ष अपनी बातें कह रहा है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ईटीवी के लिए शिवम फोरवार, दिल्ली।